ताजुशरिया अस्पताल के डायरेक्टर बाबू रजा खान ने 26 जनवरी को देश में मनाए जा रहे 74वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ताजुशरिया अस्पताल परिवार की ओर से, समस्त डॉक्टर पैनल्स की ओर से एवं समस्त स्टाफ की ओर से जनपद वासियों, प्रदेश एवं देशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश में संविधान लागू किया गया था और उसके बाद से ही 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का नाम दिया गया। समस्त देशवासी 26 जनवरी का दिन हमारे देश में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके साथ ही एक बार फिर मैं बाबू रजा खान, डायरेक्टर ताजुशरिया अस्पताल परिवार की ओर से सभी देशवासियों को देश में मनाए जा रहे 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि सभी देशवासी 74वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देश के संविधान और लोकतंत्र को जीवित रखने का संकल्प लेते हुए इस बात की शपथ लें कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे को बरकरार रखने के लिए संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना देश के प्रत्येक नागरिक का प्रथम कर्तव्य है। ताजुशरिया अस्पताल के डायरेक्टर बाबू रजा खान ने कहा कि देश में मनाया जा रहा 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को देश की एकता, अखंडता, कौमी एकता और भाईचारे के संदेश का भी संकल्प लेना चाहिए, तभी हमारा देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब द्वारा रचित भारतीय संविधान में दिए गए अधिकारों को प्राप्त कर सकेगा और हमारा भारत दुनिया में लोकतंत्र की मिसाल बनेगा। एक बार फिर ताजुशरिया अस्पताल परिवार की ओर से सभी देशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।